आजकल हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी हो गई है जो बड़े बूढ़े ही नहीं बल्कि जवान और बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हार्ट अटैक आता क्यों है। हम सभी ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है, किन वजहों के कारण हार्ट अटैक आता है, और यदि आप हार्ट अटैक का शिकार होते हैं तो आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। आज के समय में बड़े बूढ़े ही नहीं बल्कि जवान बच्चे भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। ये तब होता है जब दिल की मांसपेशियों में खून का फ्लो रुक जाता है। आम भाषा में अगर समझे तो हार्ट अटैक का सबसे आम कारण है कोरोनरी धमनी रोग। वो तब होता है जब कोरोनरी धमनियां फैट और अन्य पदार्थों से ब्लॉक हो जाती है। फिल्म हो, टीवी जगत हो, हर जगह या फिर नॉर्मल लाइफ हो, हर जगह हार्ट अटैक के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है। देखिए, हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हार्ट अटैक पैदा करने के खतरों में शामिल है। ज़्यादा स्मोकिंग करना भी यानी कि ज़्यादा यदि आप धूम्रपान करते हैं तो वो भी दिल संबंधी बीमारियों के साथ साथ अचानक हार्ट अटैक का खतरा पैदा कर सकती है। स्मोकिंग से धमनियों के अंदर खून के थक्के भी बन जाते हैं। इससे धमनियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है और अचानक दिल का दौरा आपको पड़ सकता है। मोटापा भी एक मुख्य कारण है। मोटापा कई खतरनाक बीमारियों के जोखिम को पैदा करने का कारण बन सकता है। ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी इसकी वजह से शरीर में जन्म ले लेती हैं। ब्लड फ्लो में रुकावट आने से शरीर के कई अंगों में दर्द महसूस होने लगता है जो कई बार तेज हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड को दिल तक नहीं पहुँचा पाता जिस वजह से अचानक हार्ट अटैक हो सकती है। ये तो रहा कि हार्ट अटैक आता क्यों है। अब हार्ट अटैक यदि आपको आता है तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण हैं सीने में दर्द होना, दबाव या फिर बेचैनी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कंधे, गर्दन, जबड़े या फिर पीठ में अचानक से दर्द होने लगना, चक्कर आना या बेहोशी होना, या फिर मलती या फिर उल्टी होना, यानी कि आपको मलती भी हो सकती है नहीं तो आपको उल्टी भी हार्ट अटैक के लक्षण में शामिल है। अब इन सब के बीच आप बचाव के लिए क्या करें। बैड कोलेस्ट्रॉल को आप कम करें यानी कि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो आप उसको नियंत्रण में लाएं। खाने में तेल और घी का कम इस्तेमाल करें। वजन आप ज़रूर कंट्रोल करें। आप अपने शुगर को नियंत्रित रखें। वर्कआउट करें और हेल्दी फूड आप ज़रूर लें। साथ ही आप एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल करें। आप खाने में फल, सलाद और सब्जियों का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आप हेल्थ की जांच ज़रूर करवाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वजन, लीवर, किडनी के बारे में आप पता लगाते रहें। अगर कोई समस्या हो रही हो तो आप समय रहते ही इसको कंट्रोल कर ले। तो आपको ये जानकर कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गड़बड़ लिपिड प्रोफाइल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, अधिक वजन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अभी अलर्ट हो जाएं और आपको कुछ चीज़ों पर जो हमने बताया है उसको ध्यान में ज़रूर रखें। यदि आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आप ये सभी परेशानियों को इग्नोर ना करें। यदि आपको ये सब महसूस हो रहा है और आपके शरीर में इन सारी बीमारियों का कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो आप एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलें। साथ ही जो चीज़ें हमने आपको उपाय के तौर पर बताई हैं आप उसे ज़रूर अपनाएं।